Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. देखिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पूरे देश में पुस्तक मेलों का आयोजन करता है और हमारा प्रयास है कि हम छोटे छोटे स्थानों पर भी पुस्तक मेले आयोजित करें ताकि उस क्षेत्र में जो ग्रामीण कस्बाई पूरे पुस्तक प्रेमी हैं उन तक हम पुस्तकें पहुंचा सकें। और उसी क्रम में आगरा में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है 10 तारीख से 18 तारीख तक। और आगरा बड़ा प्रबुद्ध क्षेत्र है और इस क्षेत्र के माध्यम से पूरे ब्रज प्रदेश में हम पुस्तक संस्कृति का विकास कर सकें, लोगों में पुस्तकें पढ़ने के प्रति रुचि जगा सकें, इसके लिए पुस्तक मेले का आयोजन है। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्तायुक्त पुस्तकें प्रकाशित करता है करीब 40 भाषाओं में। यहाँ करीब 60 प्रकाशक देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं और 75 स्टॉल यहाँ लगे हैं। बहुत प्रकार की किताबें अनेक विषयों से जुड़ी हुई जो जीवन के विविध पक्षों को सिखाती समझाती हैं। और पुस्तकों के प्रति लोगों में जितना प्यार बढ़ेगा इंसानियत उतनी ही ज़्यादा सशक्त होगी। आगरा की जनता के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने ये जो एक प्रयास किया है, पहली बार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से पुस्तक मेला आयोजित है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ इन पुस्तकों को देखने, खरीदने, इसका लाभ लेने के लिए आए। मैं तो कहता हूँ कि ये एक तरह से पुस्तकों का कुंभ है और यहाँ ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आगरा क्षेत्र के हर घर का व्यक्ति आए तो मुझे लगता है कि हमने जिस उद्देश्य से पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए घर घर तक किताबें पहुँचाने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक लक्ष्य है हर हाथ एक किताब, तो हमारा वो लक्ष्य पूरा होने में मदद मिलेगी और देश जितना नॉलेजफुल होगा विकास की यात्रा हमारी उतनी ही सरल होगी। देखिए जो मेला लगा है, जब मेरे संज्ञान में आया कि ये मेला आगरा में लग रहा है तो मैं बहुत उत्साहित थी कि इस मेले को मैं आऊं और देखूं। और जब मैं यहाँ आई तो मेरा जो उत्साह था वो और दुगना हो गया, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर किताबें हैं वो वास्तव में मतलब हमारे साहित्य को दर्शाती हैं कि हमारा साहित्य जो है वो कितना रिच है और कितना ज्ञानवर्धक है। और मैं जनता को, आगरा की जनता को कहना चाहूँगी कि यहाँ आएँ और आके इस साहित्य का, इस ज्ञान का आनंद उठाएँ। और ऐसे मेलों का आयोजन बार बार होना चाहिए। बलदेव भाई जी को इसके लिए अत्यंत अत्यंत धन्यवाद। अच्छा, हमारा एक ग्रुप है, हम लोगों ने नए ऑथर्स हैं, हमने एक ग्रुप बनाया है जिसे हम यूनाइटेड बाय इंक्स एंड दिस ग्रुप सपोर्ट्स न्यू ऑथर्स, राइटर्स, ब्लॉगर्स एंड दिस ग्रुप इज 1000 मेंबर स्ट्रॉन्ग। विद इन 2 मंथ्स इट्स 1000 मेंबर स्ट्रॉन्ग ग्रुप। और ये नए राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने बुक्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कहाँ पर अपने रीडर्स तक पहुँचा सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म हमने नए राइटर्स को दिया है। आज पर ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने NBT के चेयरमैन थे, वो आए हमारे स्टॉल में। ताज लिटरेचर फेस्टिवल के जो चेयरमैन थे वो भी आए थे हमारे स्टॉल में एंड लोगों ने हमारी बुक्स परचेज किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज किया है हमारे ग्रुप को। और ये जो बगल में जो आगरा ग्रुप जो है ऑथर्स का, दे हैव ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन आर ग्रुप एंड वो हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं। जी, ये तो बात सच है कि मोबाइल से बहुत फर्क पड़ा है, लोग बुक्स कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, वो पढ़ते हैं। और हम लोग जो स्टॉल लगा रहे हैं हम वो इसीलिए लगा रहे हैं कि नए लोगों को हम आकर्षित करें, हम उन्हें बताएं कि नई बुक्स जो आ रही है कितनी अलग अलग वैरायटी के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इन्होंने लिखा है गांधी विद अ गन लिखा है, एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पे उन्होंने लिखा है कि वायलेंस लाइफ में ज़रूरी नहीं होता है। हम प्रिंसिपल्स के थ्रू, मेरी जो बुक है वो है कि हम रिलेशनशिप्स में जब चीट करते हैं दूसरों को या पैसों के मामलों में हम चीट करते हैं लोगों को, तो क्या फर्क पड़ता है एक कम्युनिटी को, क्या फर्क पड़ता है एक पूरी कंट्री और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या फर्क पड़ता है, ये अलग है।
किसी भी तरीके की जो भी बुक पढ़ना चाहे पर पढ़ने की हैबिट जरूर बनाएं, क्योंकि पढ़ना रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स हम पर्सन कैन डेवलप, क्योंकि वो हमेशा साथ देगा, तो इससे रीडिंग अभी नहीं जाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि रीडिंग हमेशा चलती रहे, हमारी बुक्स भी पढ़ें, औरों की बुक्स भी पढ़ें, पर पढ़ते रहें।